हेलो रन, आपको पता है बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आपको बिहार एलआरसी के अंदर आया हुआ है, जिसमें कि मुख्यतः डिपार्टमेंट जो है सिविल ब्रांच के लिए अलॉट किए गए हैं। ये भूमि राजस्व विभाग के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर लास्ट अगर 2-3 दिन से देखें बच्चों के कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन खासकर ये है कि क्या है ये कॉन्ट्रैक्चुअल है या फिर परमानेंट है। ओके, तो इसकी बात सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये है कॉन्ट्रेक्चुअल। लेकिन यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट को बिहार गवर्नमेंट में अभी क्या कर रहा है, हर पोस्ट को आगे एक्सटेंड लगातार करते जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये परमानेंट भी किया जा सके। लेकिन अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बहुत जबरदस्त पोस्टें दी गई है, जैसे कि आप देख रहे हो 9,357 पोस्टें दी गई है, जो कि बहुत लार्ज स्केल पे है। तो और भी बच्चों के लगातार क्वेरी है, मुझे उम्मीद है कि मैं उन सारे क्वेरी को आपके साथ शेयर करूंगा, आपके क्वेरी डॉट्स को मैं क्लियर करूंगा। फिर भी कोई डॉट रह जाता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। स्पेशली ये वैकेंसी आपको किसके लिए देखने को मिल रहा है सर? सिविल डिपार्टमेंट के लिए। सर कॉन्ट्रेक्चुअल है तो क्या करें? देखिए, अगर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑलरेडी किसी जॉब में है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता ये जॉब करने का। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब है जिसको आप क्विट कर सकते हो, लगता है कि वहां बेहतर नहीं है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल होकर बाद में परमानेंट भी हो सकता है और अच्छे पे स्केल भी यहां पे आपको मिल जाते हैं। एक बात मैं और बता दूं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है कि इसको करिए, है ना, क्योंकि ये एक अच्छा एग्जाम है, 2 महीने के अंदर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म फिलिंग का काम हो रहा है 13 तारीख से, 13th of April से फॉर्म फिलिंग का काम हो रहा है, तो आप जरूर फॉर्म को फिल करेंगे, जरूर फॉर्म को फिल करिए और इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि यहां पर पहले मेरिट बेसिस पे होता था, अब एग्जाम ले रहा है, तो जो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, खासकर बिहार वालों के लिए, तो चांदी चांदी है, सोना सोना है ना, चांदी से सोना बन गया पहले की तुलना में, है ना। अब मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग का, तो ये नेगेटिव 1/4 है जी, है ना, ये नेगेटिव कितना है, 1/4 है। और अदर स्टेट के बच्चे के लगातार कमेंट होते हैं कि अदर स्टेट के बच्चे अलाउ है, तो बिल्कुल अदर स्टेट के बच्चे अलाउ है, लेकिन किसमें जी, जनरल में, किसमें, जनरल में, बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है वो बिहार वाले को मिलने वाला है। अब साथ में एक चीज और मैं बताऊं कि सर ये जो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस लेवल के होंगे, ये क्वेश्चन 2 भागों में आपको बनेंगे, एक है टेक्निकल सेगमेंट का और एक है नॉन टेक का, है ना, एक है नॉन टेक का। तो नॉन टेक ये है 75 क्वेश्चंस और ये कितना है जी, 25 क्वेश्चंस, है ना। और इस 75 क्वेश्चंस के लिए बेहतर बेहतर तरीके से, यानी बहुत ही बेहतर तरीके से कंटेंट आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिसमें कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी पार्ट हमने डाला हुआ है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो चीजों को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो, फुल्ली कोर्स रिकॉर्डेड है, आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप तैयार करें, तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनने जा रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पे एलआरसी वैकेंसी की, तो जरूर आपको देनी चाहिए ये कोर्स, आपको अभी टेक्निकल कोर्स है जो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर अवेलेबल है, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप को जाएंगे और आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ओनली 999 में अवेलेबल है, सिविल के बेहतर फैकल्टी के द्वारा। अब मैं यहाँ पे कुछ और बातें चर्चा शेयर कर लूँ कि अगर बहुत बच्चे लगातार ये कह रहे थे कि सर कॉन्ट्रेक्चुअल है करें कि नहीं करें, मैं ये कहता हूँ कि करना चाहिए। अगर आपकी कोई फैक्ट्री चल रही है या आपके कुछ बड़े जॉब्स हैं तो फिर बेशक आप सोचो भी नहीं, लेकिन मुझे पता है कि 90% बच्चे बस तैयारी में लगे हुए हैं, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा चांस है, खासकर ये बिहार वालों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैप करना ही करना चाहिए। सिविल के बच्चे इसलिए हो जाए तैयार, सिविल के बच्चे एकदम रेडी रहे, ताकि इस वैकेंसी में अपना एक परचम लहरा सके, एक वैकेंसी के अंदर एक पोस्ट जो है फिक्स कर पाए, और बहुत अच्छा चांस है ये भी है कि यहां पर आपको डिप्लोमा वाले बच्चे को अलाउ किया गया है, तो आप लोगों के लिए चांदी चांदी सोना ही सोना है, आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से लेंगे, इसकी तैयारी आप लोग करेंगे अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लग चुके होंगे, फॉर्म भी डालना शुरू हो चुका होगा बहुत बच्चे का, फॉर्म अभी आप लोग फॉर्म फिल जरूर इसका करिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3-4 महीने में आप लोग के लिए इस
पोस्ट की एक सीट होगी। हालांकि आप तैयारी आप एसएससी की करें या किसी और जॉब की भी करें तो वहां पर तैयारी जो है ना, वहां तैयारी आपको तो चलती रहेंगी, पर ये एक एडिशनल हो जाएगा क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है और जनरल में अदर स्टेट वाले बच्चे को भी करना चाहिए। इसके सिलेबस की मैं अगर बात करूं ना, अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपके सिविल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो है ही, साथ में साथ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है किसका है, डबल ई का, वो भी ऐड किया गया है। अगर आप बात करोगे ना तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को यहाँ पे दिया गया है अलग से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो खासकर मैकेनिकल वाला बच्चा देखता है। उसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को दिया गया यहाँ पर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी इस सब्जेक्ट में ऐड किया गया है। तो ये टेक्निकल में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। एक और मैं बोलूं तो कैड को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इस सिलेबस में दिए गए हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इन पेपरों को भी, अभी तो ये आप लोग को मिल चुका है इस रिकॉर्ड सिविल के साथ, हम बहुत जल्दी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और कैड भी ऐड करने वाले हैं और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए भी पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक तरीके से इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का हिस्सा है। तो आपको ये पार्ट जो है ये भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इसकी तैयारी बेहतर तरीके से करिए। आप एक समय तरीके से समझ सकते हैं कि 10,000 पोस्ट जो कि कभी नहीं निकलने वाला है, किसी स्टेट में इतनी वैकेंसी नहीं निकलती, इसीलिए आपको इसके पीछे अच्छे से लगनी चाहिए। फॉर्म फिलिंग होना शुरू हो गया है, फॉर्म आप लोग डालिए और ऐप पर जाके अगर आप चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स को 999 में ले सकते हैं और वहां पे डेमो भी अवेलेबल है। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर स्टोर में जाएंगे, सबसे नीचे स्टोर के बाद जाने पे आपको वहां पे कोर्स मिलेगा। आप डिप्लोमा कोर्स सिविल कोर्स पे जाएंगे और ये कोर्स कंटेंट मिलेगा। अभी सबसे बेहतर यही है कि आप रिकॉर्डेड कोर्स को ही देखें क्योंकि समय बहुत ज्यादा रहेगा नहीं आपके पास। रिकॉर्डेड कोर्स बेहतर कंटेंट है, आप वहां से डेमो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी है तो विदाउट कोर्स में जाए, आप अगर तैयार नहीं है तो बिल्कुल तैयार करें। हम यहाँ पे आपको टेक्निकल क्लास दे रहे हैं, नॉन टेक भी ऐड कर देंगे, हमारे बाद में है कि हम नॉन टेक बेहतर तरीके से, लेकिन अगर आपकी नॉन टेक तैयारी है तो टेक्निकल बिल्कुल इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप से आप जुड़ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये तैयारी बहुत बेहतर हो क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आपको LRC की नहीं दिखेंगी। इस सीरीज में हम और भी वीडियोज लाएंगे ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो पाए। थैंक यू।